सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो विजित भाई जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम एडिशंस ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम्स होता है इसका एडिशंस कैसे करेंगे अपन। दो यदि वेक्टर है हमारे पास, दो यदि सदिश है, तो उन दो सदिशों का योग यानी रिजल्ट हम कैसे ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे, ये आज हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी सहायता से दो सदिशों का परिणाम ज्ञात करेंगे। तो दो वेक्टर लेंगे हम, एक वेक्टर हमने ए बी वेक्टर ले लिया और ये हमने क्यू वेक्टर ले लिया। अब इसको जोड़ना कैसे, ऐड कैसे करना है, तो दोनों की साइड यानी ये वाला जो इसका टेल होता है और ये हेड होता है, ये इसका टेल है और ये हेड है, ये टेल और ये हेड, ठीक है। जो पीछे का सिरा होता है उसको टेल कहते हैं और जो आगे का एरो का सिंबल होता है उसको हम हेड कहते हैं, ये टेल और ये हेड होता है। तो हमें पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज नियम में क्या करना है, ये जो है वेक्टर जो होता है इस वेक्टर के टेल के टेल से अपने को हेड करना, दोनों को जोड़ना, संलग्न करना, एक टेल को टेल से जोड़ना यानी शीर्ष, हिंदी बोलते हैं इसको, इसको शीर्ष बोलते हैं और इसको पाद बोलते हैं, पाद यानी पाद को पाद से जोड़ना, ये पाद है इसका, ये शीर्ष से इसका हेड है। यदि हम पाद को पाद से जोड़ेंगे यानी टेल को टेल से जोड़ेंगे, यानी इस तरह से ये टेल है, इस टेल को से आगे बढ़ाते इसको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने जोड़ दिया कि एक वेक्टर ये था हमारे पास पी वेक्टर और एक वेक्टर ये था क्यू वेक्टर, इन दोनों को हमने एक ही पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है, वो पॉइंट से। अब पी वेक्टर ले लो या ए वेक्टर ले लो, क्यू वेक्टर ले लो या बी वेक्टर ले लो, कोई से वेक्टर हम कंसिडर कर सकते मान सकते हैं। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों को हमने जो जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, टेल को टेल से जोड़ा है, ध्यान हेड टेल नहीं जोड़ा, हेड टेल अपन जो हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा, जो एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स ला पढ़ा वेक्टर का, उसमें हम हेड से टेल जोड़ते हैं, इसमें दोनों को टेल से टेल जोड़ना, ये चीज नोट कर लेना। तो पैरेललोग्राम में क्या करना है, दो साइड लेना, दो भुजाएं लेंगे अपन, एक साइड ये और एक साइड ये, दो वेक्टर ले लेंगे, एक वेक्टर पी वेक्टर और दो दूसरा क्यू वेक्टर, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, चतुर्भुज की संलग्न दो भुजाओं से निरूपित किया जाता है। यदि मान लो कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है या पी वेक्टर या क्यू वेक्टर है, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया है टेल से टेल, तब ये जोड़ने के बाद इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके द्वारा प्रदर्शित होगा, ये जो रिजल्ट होता है दोनों का ये कहलाता है इसका डायगोनल या विकर्ण कहलाता है, विकर्ण इसके द्वारा प्रदर्शित होता है। समांतर चतुर्भुज क्या करना है, दो साइड को जोड़ना है, संलग्न करना है और इनका रिजल्ट जो भी है, जैसे मान लो 5 मीटर है या 10 मीटर है, जो भी उसका रिजल्ट है, यानी पी वेक्टर है उसका मान और एक का मान क्यू वेक्टर है, ये जितना बड़ा साइज होता है इसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना, और इसकी डायरेक्शन एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर वेक्टर राशि में एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए और दूसरा उसका एरो मतलब डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों चीजें होगी, तो ये हमारे पास वेक्टर के रूप में इसको जोड़ेंगे। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा। चतुर्भुज का नियम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का, कि दो सदिश है, दोनों को हम एक साथ संलग्न करते हैं चतुर्भुज की भुजाओं के द्वारा, तो इनका जो परिणामी होगा, ये परिणामी जो होता है ये इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कह सकते हो आप कि आर वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये इसका रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से दो वेक्टर को ऐड करने से इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, इसी इसमें नोट कर पैरेललोग्राम डायगोनल के द्वारा इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि क्या होता है दोनों के सेंटर से पास होता है। तो इसमें वही कहा है यदि दो सदिशों को परिणाम दिशा में जिसे समांतर चतुर्भुज दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाता है, ये हमने चतुर्भुज के लिए दो भुजा बना लिए, एक साइड ये और एक साइड दो भुजा बना ली, तो इनका जो रिजल्ट होता है तभी सदिशों का परिणामी दिशा समांतर चतुर्भुज के द्वारा निरूपित होगा। तो इनका जो रिजल्ट होगा किसके द्वारा निरूपित होगा, विकर्ण के द्वारा। तो समझ में आ रहा होगा कि ए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, दोनों को हमने क्या किया,
एडजेसेंट की जोड़ दिया एक ही पॉइंट O से, तो इन दोनों का रिजल्ट विकर्ण के द्वारा डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, जो कि दोनों के एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, विकर्ण हो जाना चाहिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट जिस पॉइंट से गुजरता डायगोनल पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, ए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू लिखेगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो पैरेललोग्राम में सिंपल है क्या है कि दो साइड रहेगी, दोनों को कंबाइन करना तो उनका रिजल्ट तीसरी साइड के द्वारा डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण बन रहा है थीटा, ये थीटा बनता है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में, इसको हम ए वेक्टर भी ले सकते हैं और इसको हम बी वेक्टर भी ले सकते हैं, ध्यान रखना पी ले लो क्यू ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी हम मान लेंगे कि पी वेक्टर है हमारे पास या ए वेक्टर है, इधर क्यू वेक्टर है, इन दोनों के बीच वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये रिजल्टेंट जो होता है ये इस पी वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है, ये कोण हम फाइंड करेंगे। सपोज ये कोण अल्फा बनाता है, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल अल्फा है, तो अल्फा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो एक चीज नोट कर लेना कि जब भी हम कोई कोण या एंगल फाइंड करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ट्रायंगल जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं बनाना पड़ता है, और समकोण त्रिभुज से ही हम सारी चीजें ज्ञात करते हैं, लंब कर्ण आधार हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर है बेस है, ये सब उस राइट एंगल से यानी समकोण त्रिभुज पर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एंगल बना रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है हमको, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाले और इसको हम यहाँ मिला दिए, यदि ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि पैरेलल साइड है दोनों, ये साइड पैरेलल है और ये हमारे पास इस लाइन के साथ बन रहेगा, तो ये भी थीटा ही एंगल होगा। इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी डी नाम दे देते हैं, टी नाम दे देते हैं। अब ये एंगल जो बन रहा है डी पे, ये 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। तो ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास जो वेक्टर दिए गए, दो ही वेक्टर क्या है, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम बनाना क्या करना, इस साइड को अपने आगे बढ़ाना और इसको भी उनको आगे बढ़ाना, और ये इसका रिजल्ट कहलाएगा, बीच में से जो लाइन आएगी डायगोनल कहलाएगा, रिजल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर दिए हैं, इससे अपने पैरेललोग्राम बनाने के लिए एक लाइन आगे बढ़ाना और इससे ये इसके पैरेलल बढ़ना, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, इसलिए कहते हैं कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, इसलिए इसको पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ से आप जो थीटा इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो कोण 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, और एंगल थीटा यहाँ बनता है तो थीटा के सामने वाली लंब कहलाती है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और जो जिसके साथ थीटा और 90 बनता है वो बेस होता है आधार, आधार कहलाती है, बेस कहलाता है। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में हम कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, लंब और बेस आधार हम फाइंड कर सकते हैं। अब यदि अपन इस लंब का मान निकालना चाहें, बी सी का मान या सी डी का मान, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ए डी का मान निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो हम ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे, ए सी डी में पहले हम साइन थीटा के लिए निकालो, फिर कॉस थीटा के लिए निकालो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब लंब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब की वैल्यू क्या है सी डी है, सी डी, हाइपोटेनस कितना है, ये हाइपोटेनस है, देखो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगी, यदि ये क्यू है तो ये वैल्यू भी क्यू क्यू ही होगी, ये ए सी की वैल्यू भी क्यू है क्योंकि दोनों इक्वल और पैरेलल, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं पैरेलल होने के कारण से, और अपन ए सी हाइपोटेनस ए सी, तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी, सी डी अपने को पता नहीं फाइंड कर लेना, सी डी को ऐसे लिखो अपन हाइपोटेनस ए सी, ये ए सी है और इसकी वैल्यू हमें क्यू मानी क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर, या फिर ये दोनों इक्वल है,
तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू साइन थीटा। तो इस तरह से आप क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर, ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लिखे हैं इसको वेक्टर, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी क्यू वेक्टर साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते इसी प्रकार से, कॉस थीटा उसी ट्रायंगल में त्रिभुज ए सी डी में कॉस थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इनके फार्मूले सब याद होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन सा देखो, बेस नीचे का होगा एडी, एडी बेस है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये एसी है, एसी, और एसी की वैल्यू क्यू वेक्टर है, जैसे यहाँ पर लिखे क्यू वेक्टर, यहाँ भी क्यू वेक्टर दिया जाएगा, इक्वल टू ए डी अपॉन क्यू वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई कर दो ए डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी क्यू वेक्टर कॉस थीटा, इक्वेशन टू होगा। ठीक है, देखो हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करी, सी डी मतलब ये वाला फाइंड करी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है क्यू साइन थीटा आ रही है, ये क्यू साइन थीटा आ रही है, क्यू साइन थीटा सी डी की वैल्यू, AD की वैल्यू ये AD इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, तो A से B तक की क्यू कॉस थीटा वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो AD भी ज्ञात हो गया और CD भी ज्ञात हो गया। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज OCD, OCD ट्रायंगल देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है हमारा कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम ने कह रखी कि कर्ण का वर्ग यानी एस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, लंब का वर्ग लिखो पहले, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर यानी बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आधार और आधार कौन सा होगा, ओडी भुजा, यहाँ से यहाँ तक का ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा आधार, ये आधार। अभी हम इस ट्रायंगल की बात करें, ओ सी और डी इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखें इसकी बात नहीं कर रहे, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। तो अब इसमें लंब का वाला मतलब, लंब मतलब ये, ये वाला सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, और प्लस आधा मतलब ये ओ डी का स्क्वायर, ओ से डी तक की डिस्टेंस है, ये इसको ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर के लिए आर है तो आर का स्क्वायर लिख दिया हमने, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी का लंब का वर्ग प्लस आधा का वर्ग, तो आर स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, सी से डी, सी डी, सी डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, क्यू साइन थीटा, तो इसके लिए हम क्यू साइन थीटा रख देंगे, सी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा हमने फाइंड कर लिए, काउ स्क्वायर प्लस ओ डी, ओ से डी तक की, ये अपने को पता नहीं ओ डी डायरेक्ट, तो ओ पी ओ ए प्लस सी डी, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ ए यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ए डी दोनों प्लस कर दो, ओ ए प्लस ए डी, ए डी का स्क्वायर ये डी है। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ ए की वैल्यू, ओ से ए तक, ओ से ए तक हमने क्या माना है, पी वेक्टर, पी वेक्टर प्लस ए डी क्या माना था, बी साइन क्यू साइन थीटा फाइंड कर लिया, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा हाँ स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ओ ए ओ से ए तक पी वेक्टर से, और ए डी क्यू कॉस थीटा, ए डी के क्यू कॉस थीटा पुट कर दे, इसका स्क्वायर खोल लो, फार्मूला लगा दो, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, प्लस टू ए बी, टू ए का मतलब बी वेक्टर, बी मतलब क्यू पास के का। तो यहाँ से हमें फार्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर और यहाँ से क्यू स्क्वायर और यहाँ से क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो। पहले पी वेक्टर लिख देते हैं, पी स्क्वायर लिख देते हैं, पी का स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया पी स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ भी क्यू स्क्वायर यहाँ भी दोनों में से कॉमन ले लें क्यू स्क्वायर। तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू पी वेक्टर क्यू वेक्टर कॉस थीटा। देखो इसमें से क्यू वेक्टर और इसमें से क्यू वेक्टर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। पी स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया इनटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया क्यू स्क्वायर, तो ये बचेगा इसमें साइन स्क्वायर इसमें से कॉस स्क्वायर, इसको हमने वैसे लिख दिया। तो इसकी वैल्यू वन होती है, ये वन हो गया आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। या आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी कॉस थीटा। तो इस तरह से पी क्यू कॉस थीटा क्यू कॉस थीटा वेक्टर। तो इस तरह से आर की वैल्यू रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट ए और बी पी और क्यू के रूप में हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम यदि मान लो टेन अल्फा का मान पूछा दिशा कि ये ए वेक्टर पी वेक्टर है रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना, तो हम टेन अल्फा का मान निकालेंगे टेन अल्फा, तो टेन थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, क्या करते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर बेस मतलब आधार, लंब कितना देखो लंब ये क्यू साइन थीटा साइन थीटा, आधार ओडी ओ से डी तक का पूरा है क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, इसको हम ओ ए प्लस ए डी जोड़ देते थे अपने ओ से डी तक पूरी डिस्टेंस निकाला यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां तक का ओ ए है और यहां तक की ए डी दोनों प्लस कर देंगे ओ डी, तो टेन अल्फा इक्वल टू आएगा हमारे पास क्यू साइन थीटा वेक्टर वेक्टर लगा दो क्यू साइन थीटा अपान ओ ए, ओ ए की वैल्यू क्या मानी हमने पी वेक्टर, यहाँ पी वेक्टर आ जाएगा प्लस ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू क्यू कॉस थीटा है क्यू कॉस थीटा। तो इस तरह से दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है आर वेक्टर का रिजल्ट के साथ पी का कितना एंगल बन रहा है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम से समांतर चतुर्भुज से परिणाम ज्ञात करते हैं और टेन अल्फा बोले तो दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि कितने एंगल के दोनों भी डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहे हैं, रिजल्टेंट पी के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में मान लो कि यदि यहाँ ए वेक्टर आ जाए यहाँ बी वेक्टर आ जाए तो पी की जगह ए वेक्टर लिख देगा और क्यू की जगह बी वेक्टर लिख देगा, तो फार्मूला क्या आ जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर बी की जगह क्यू आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से ए बी वेक्टर की चेंज कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जय भारत। वंदे मातरम।